कृषि बिल के खिलाफ यूपी में किसानों का हल्ला बोल, बाराबंकी में जोरदार प्रदर्शन, नेशनल हाईवे जाम कर आगजनी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी लगाया जाम। कृषि बिल पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, केंद्र सरकार को दी नसीहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश, कोई भी बिना मास्क लगाए बाहर दिखे तो पुलिस करे कार्रवाई। 24 घंटे में कत्ल की 3 वारदातों से दहला बरेली, 5 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या, बहेड़ी थाना क्षेत्र की घटना। प्यार के जाल में फंसा कर किया निकाह, फिर इस्लाम न अपनाने पर युवती का काट दिया सिर, सोनभद्र में 54 थाना क्षेत्र की वारदात, पुलिस ने किया 2 को गिरफ्तार। गोरखपुर शूटआउट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 को किया गिरफ्तार, 2 इनामी समेत 8 अभी भी फरार, लगेगा गैंगस्टर। जालौन में छेड़खानी करना शहदे को पड़ा भारी, लड़की ने 55 सेकंड में जोड़ दिए 55 चप्पल। महिला अपराध को लेकर सीएम योगी सख्त, सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगे शहदों के पोस्टर। पीएम मोदी ने की यूपी में प्रवासी मजदूरों की वापसी और कोविड टेस्टिंग को लेकर सीएम योगी की सराहना। रायबरेली के लालगंज थाने में दलित युवक की मौत के 24 दिन बाद इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज, नए पुलिस अधीक्षक श्रीलोक कुमार की तैनाती के बाद हुई कार्यवाही। फेसबुक पर नाना को हुई मोहब्बत, फिर प्रेमिका को पाने के लिए 15 महीने के मासूम नाती का किया अपहरण, 48 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा, नाना को भेजा जेल, प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र की घटना। प्रेमिका से शादी रचाने के लिए व्यापारी ने रची खुद के अपहरण की साजिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार, मैनपुरी जिले के बरनाहल का मामला। सीएम योगी ने कानपुर को दी रिवर फ्रंट की सौगात, बोले पीएम मोदी ने यहां गंगा की स्वच्छता की प्रशंसा की थी। स्वार विधानसभा के उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी ने लोगों से की अपील, करें उनका और पार्टी का समर्थन। संभल में सूखे सरकारी हैंडपंप, जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे, पेयजल की समस्या से परेशान मोहल्ले के लोग। रामपुर के शाहबाद में एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन को कराया अवैध कब्जे से मुक्त। किसान एवं श्रमिक विरोधी विधेयकों को वापस लिए जाने की मांग, सपा कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर बैठे। सरकार द्वारा 3 अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने किया जमकर प्रदर्शन, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन, उपजिलाधिकारी को सौंपा, भाकियू अराजनीतिक, असली के पदाधिकारियों ने किसानों संग खिरनी चौराहे पर जमकर किया विरोध। मुरादाबाद नगर निगम के फड़ों पर फिर खेला खेल, पहले हटवाई फिर टाउन हॉल पर सैकड़ों की तादाद में नगर निगम कार्यालय के बाहर लगने लगी फड़े। कृषि विधेयक के विरोध में किसानों का आंदोलन व धरना प्रदर्शन, किसानों को उम्मीद, राष्ट्रपति पारित बिल को कराएंगे वापस।